समकालीन सत्र के पांचवें कार्य दिन पर दिव्यांग समाज द्वारा उनकी विभिन्न मांगों को लेकर विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बंटी बाबा शिर्के ने की। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है विधान भवन के मोर्चा स्पॉट पे और हमारे साथ मौजूद है बंटी शेड़के जी, जो कि दिव्यांगों का मोर्चा यहाँ लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर इतने दिव्यांग आपके साथ जुड़े हैं, क्या है आपकी मांगे? नहीं, दिव्यांग जो है, दिव्यांग मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग ये मेरे साथ में नहीं आए, मुर्दा नहीं मर्द बनेंगे दिव्यांग, अभी खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे। इनको मैं बोलो कोई और बोलो, सभी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। क्यों उठ गया है? ये बेचारे दिव्यांग है, 2400 करोड़ रुपए, ये 2400 करोड़ रुपए का हमने तरबूज बनाया है। ये तरबूज क्यों 2400 करोड़ रुपए का बनाया? ये 2400 करोड़ रुपए का तरबूज ये देवेंद्र फडणवीस खा चुके हैं। ये 2400 करोड़ रुपए 16 साल में ये 150 रुपए 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के प्रमाणे 2400 करोड़ रुपए ये महानगर पालिका ने देवेंद्र फडणवीस जी इनके नेतृत्व में दिव्यांग भाइयों के खाए। ये दिव्यांग भाई है, ये दिव्यांग भाइयों की मांग क्या है कि 3367 करोड़ रुपए जो नागपुर महानगर पालिका का जो बजट है, वो बजट में 5% निधि ये दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहती है। 5% यानी कितना? 3367 करोड़ का 5% यानी 168 करोड़ रुपए। 168 करोड़ पकड़े तो 150 करोड़ रुपए इन एवरेज, अगर साल के अगर पकड़े तो 2400 करोड़ रुपए पिछले 16 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये लोगों ने दिव्यांग भाइयों के 2400 करोड़ रुपए खाए। क्या है दिव्यांग भाइयों की मांग? दिव्यांग भाइयों की मांग ये है कि सिनेमैक्स के बाजू में आपने पार्किंग प्लाजा की जगह पर आपने वहां पर होटल बना दिया, आपने होटल बना दिया तो ये दिव्यांग भाइयों को आप 200 स्क्वायर फीट का, 100 स्क्वायर फीट का, 50 स्क्वायर फीट का अस्थाई स्टॉल महानगर पालिका बना के नहीं दे सकती क्या? 168 करोड़ रुपए जो दिव्यांगों का हक है, शासन आदेश है, निर्णय है, परिपत्रक है, सबको मालूम है, ठीक है? ये धोरण नहीं है, ये मान्य किया गया धोरण है, परिपत्रक निकला है, तो 168 करोड़ रुपए इनके मिलना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार बोल रही है कि दिव्यांग जो है, दिव्यांग आयोग निर्माण के बाद दिव्यांगों का कल्याण होगा, ऐसी सरकार का कहना है और आप यहाँ मोर्चा लेकर आए, क्या प्रतिक्रिया? दिव्यांगों का कल्याण नहीं होगा, ये दिव्यांग कल्याण महामंडल के जो अध्यक्ष है ना, उनका कल्याण होगा। आप ये दिव्यांग जितने भी बैठे हैं, इनको पूछो कि इनको आज तक जो है घर टैक्स में 50% की सहूलत मिली क्या, मालमत्ता कर में 50% की सहूलत मिली क्या, पानी के बिल में 50% की सहूलत मिली क्या, उसके बाद में ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक बिल में 50% की सहूलत मिली क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इनकी मांग क्या है कि दिव्यांगों को मुफ्त में जो है, मुफ्त में वहां पर घरकुल देना चाहिए। ये दिव्यांग है, किसी की आंख नहीं है, किसी की जबान नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, सिर्फ ई रिक्शा देने से दिव्यांगों की मांग पूरी हो जाती है क्या? ई रिक्शा कब दिए थे? 2018 में, तो 2018 से लेकर तो 2023 तक 2-2 लाख रुपए का अनुदान जो इनको मिलना चाहिए वो कहा गया? दिव्यांग महामंडल की बात आपने की कि सरकार ने दिव्यांग महामंडल बनाया, जिनको भी अध्यक्ष बनाया होगा वो कड़ू होंगे या मीठे होंगे, तो जिनको भी बनाया होगा तो उन लोगों ने अभी तक ये 45 साल की जो हट है, जो शर्त है, वो रद्द करना चाहिए। सब वो कोई अगर समझ लो 65 साल का बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग को सरकार की तरफ से फायदे मिलते हैं, मिलना भी चाहिए, लेकिन ये दिव्यांग जो है इनमें एक शर्त डाली है कि 45 साल के ऊपर में तुम्हारी अगर उम्र हुई तो तुमको फायदा नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए दिव्यांग कल्याण महामंडल जो बनाया, आपने जो बात कही, ये 5 लाख रुपए जो इनको लोन जो मिलता है ना, ये महामंडल के माध्यम से, उसमें एक शर्त डाली है कि आपको दो गवर्नमेंट ऑफिसर का आपको साइन लानी पड़ेगी, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी। तो अरे भाई, आज भाई भाई का नहीं होता, आपका खुद का सगा भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की गारंटी नहीं ले सकता, तो ये दिव्यांग भाइयों का पीछे क्या? दो गवर्नमेंट के ऑफिसर गारंटी कहाँ से देने वाले हैं? ये सारी जो मांगे है दिव्यांगों के लिए, फुटपाथ के ऊपर में जिस तरीके से वो ठेले बना के दिए, हाँ, इनका बिजनेस चल रहा है, इसके बारे में? भैया वो ठेले उनके नहीं है, ये ठेले ये इन्होंने खुद ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने इनके नामों पे अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जो इनके छुटपुंजे कार्यकर्ता होंगे वो कार्यकर्ता दिया है, लंगड़ लंगड़ के वहां पर वो कार्यकर्ता चल रहा है जबकि वो लंगड़ा नहीं है। और बेचारा ये दिव्यांग, ये फिर क्यों आया होता मांग के लिए? ये दिव्यांग बोल रहा है मॉल के बाजू में, रेलवे स्टेशन के बाजू में, बस स्टॉप के बाजू में, बस स्टेशन के बाजू में, प्राइवेट हॉस्पिटल के बाजू में, सरकारी अस्पताल के बाजू में, वहां पर अस्थाई स्टॉल कर डाल के दो, ये इनकी मांग है। इनकी मांग क्या है? इनकी जायज 15 मांगे है, ये 15 मांगे मान्य करना चाहिए। इनकी मांग क्या है? दिव्यांग जो महामंडल है वो महामंडल के ऊपर में एक तो दिव्यांग बैठना चाहिए अधिकारी बनके, ये तो दिव्यांग का कोई पाल्य बनना बैठना चाहिए अधिकारी बनके। फिर से एक बार सवाल कि 2400 करोड़ रुपए का ये तरबूज, ये 2400 करोड़ का जो तरबूज है, ये दिव्यांगों के नागपुर महानगर पालिका के इनके जो हक के पैसे है, इनके हक के पैसे 5% निधि, 5% का आरक्षित निधि, ये 2400 करोड़ रुपए कब देंगे? Thank you.
हमारे साथ कुछ दिव्यांग भाई मौजूद है, उनसे उनके मुकारविंदों से हम उनकी मांगे सुनते हैं। क्या आपकी मांगे है सरकार को घेरने? सरकार को, मैं गजान डोमकावड़े नंदनवन में रहता हूँ। मैंने 2017 से दुकान के लिए अर्जी किया था, अभी तक महानगर पालिका ने मेरे को दुकान नहीं दिया। मेरा ईश्वर चिट्ठी में नंबर भी लगा है, पैसे के वजह से वो अधिकारी मेरे को पैसे मांग रहे थे, मैंने उनको पैसे नहीं दिया, तो मेरा दुकान का गाड़ा दिया नहीं मेरे को। आज तक मैं उनकी मांग पूरी कर नहीं सका। मैं बारंबार अर्ज देने के बाद भी मेरे अभी तक मेरे को दुकान मिला नहीं। मेरे परिवार में माँ है, बीबी है, दो बच्चे है, मैं दिव्यांग हूँ, मैं एक कर्जा घर का कार्य करता हूँ और मेरे को व्यवसाय और कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, इसलिए मेरे को मेरे हक का दुकान मिलना चाहिए। मैं बारंबार मुख्यमंत्री को भी निवेदन किया, महापौर को भी किया, जिला अधिकारी को भी निवेदन किया और राउत साहब को भी मैंने, पालक मंत्री को भी निवेदन किया। अभी तक मेरे को न्याय मिला नहीं। अगर मेरे को न्याय मिला नहीं तो मेरे परिवार, मेरे घर के माँ पिता और बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई है। मेरे को मेरा हक का मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर कुल नहीं, मैं फुटपाथ पर रह रहा हूँ और मेरी मिसेज भी किडनी पेशेंट है और मैं भी हैंडीकैप हूँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, दिव्यांग भाई अपना मोर्चा लेकर आए हैं विधान भवन पर, जिनकी कई मांगे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, सरकार को घेरने आए हैं। तो देखते हैं आगे इसका क्या असर होता है, क्या सरकार इनका संज्ञान लेती है या दिव्यांग भाइयों की मांगे ऐसी ही रहती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।